जी नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति। और जिस तरीके से कल नंदी गौशाला की जानकारी या पूछताछ के लिए एसडीएम साहब के पास नंदी गौशाला के प्रधान पप्पू जी जानकारी लेने के लिए जाते हैं, तो एसडीएम साहब गौओं को लेकर, गौ माता को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं, जिस बयान की वजह से बवाल हो उठता है और आज सभी गौशाला या कहें गौ भक्त इकट्ठा होते हैं और एसडीएम साहब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाती है और अल्टीमेटम दिया जाता है सरकार को, यदि सोमवार तक उन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो हम पेवा चौक पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसी बयान को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं सुशील जी, जो एक गौ भक्त है, अपनी गौशाला चलाते हैं 35-40 गायों के साथ, और जो राजीव दीक्षित मंच प्रदेश के महासचिव भी हैं। तो सुशील जी प्रदेश महासचिव भी हैं, प्रदेश महासचिव भी हैं। तो सुशील जी से हम जानना चाहेंगे कि इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। देखिए, मुझे कुछ सूचना मिली थी जी, और इस तरह का बयान एसडीएम साहब ने कहा है जी। मैं तो ये कहूँगा इससे शर्मनाक बयान शायद ही कुछ हो। एसडीएम साहब, जानवर वो होता है जो जानवर जैसे काम करे, और ये जो गाय है ये परमात्मा ने मनुष्य के भलाई के लिए बनाई है, और इसको आप जानवर जो कह रहे हो ये आपकी बुद्धि का परिचय दे रहा है। आप जिस पद पे बैठे हो उसको आप कलंकित करने का काम कर रहे हो। दूसरी बात, ये तो हम निवेदन कर रहे हैं, और आगे की जो बात है, अभी मेरी बात जो प्रधान जी से हुई थी, हम आए तो आज इस मामले को लेके थे, लेकिन जो प्रधान जी से बात हुई है, सोमवार तक का अल्टीमेटम उसको दिया गया है। अगर आपको ये लगता है कि गाय जानवर है तो आप कहीं भी मंच पे बुलाइए, बहस करिए। गाय जानवर नहीं है, गाय अध्यात्म का विषय है, गाय आयुर्वेद का विषय है, गाय इस देश की अर्थव्यवस्था का विषय है। कहीं आपको लगता है जानवर है तो आप या तो अपना ज्ञान पूर्ण करिए या अपने बयान पे जितना जल्दी हो उसके उतना माफ़ी मांगिए। मेरी संत गोपाल दास जी से बात हुई है, उनका भी फिर फोन मेरे पास आया था, अन्यथा ये ना हो कि आपको माफ़ी मांगनी भी पड़े और आप पे मुकदमा भी दर्ज हो। जी सुशील जी, जिस तरीके से गौ भक्तों ने आज मीटिंग की, उन्होंने बोला कि माफ़ी भी मांगे और मुकदमा भी दर्ज करवाए और सरकार भी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, सस्पेंड करे, ये तक उन्होंने बोला है, तो माफ़ी से काम नहीं चलने वाला? देखो, माफ़ी से काम तो नहीं चलने वाला, लेकिन जो अपनी जो परंपरा रही है पंचायतों की, एक मौका मतलब सबको मिलता है और पंचायती रूप में एक मौका हम इसको भी दे रहे हैं, ताकि कल को इसके भी बाल बच्चे हैं, कल को ये ना कहे जी हमारी वजह से किसी का परिवार उजड़ता है। तो मैं एक लास्ट चेतावनी इनको देने आया हूँ गोपाल दास की तरफ से, और भारतीय जो किसान यूनियन लगा लीजिए, जो राजनीतिक संबंध हरियाणा की तरफ से लगा लीजिए, एक लास्ट मौका आपके पास सोमवार तक का, उसके बाद हम बहुत कड़े फैसले भी ले सकते हैं, क्योंकि जो गाय का जानवर का विषय है ये आप मतलब इसमें बहुत ज़्यादा बोल गए हो और बहुत अति में आके बोल गए हो। आप आस्तिक हो या नास्तिक हो आपका पर्सनल विषय है, वो आपको संविधान अधिकार देता है आस्तिक हो नास्तिक हो, लेकिन आप आस्तिक व्यक्ति के साथ उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना आपको कहीं से भी संविधान अधिकार नहीं देता है। आप एक पद की गरिमा पे हो, आप बहुत गलत जा रहे हो, आपसे मैं निवेदन करता हूं, आपके पास 2 दिन का समय 3 दिन का समय है, नहीं तो आप इस मामले को लेकर हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, और मुझे तो कहीं कहीं ये भी लगता है इस जैसे अफसरों की नियुक्ति करना बीजेपी सरकार की मंशा को भी दर्शाता है, क्योंकि सरकारों को ऐसे अफसर और इस जैसे इस पद पे तो लेके आना ही सबसे बड़ी सरकारों की गलती है, और सरकार गायों के प्रति कितना संगीन है ये सारी दुनिया जानती है। तो सरकार को भी मैं चेता के जा रहा हूँ, इसको जितना जल्दी हो उसके इसको इसके पद पे से हटाइए, उस पर मुकदमा दर्ज करिए। जी सुशील जी, जिस तरीके से आज गौ भक्तों ने मीटिंग में ये कहा है कि जहाँ हमारी पेट को थपथपाना चाहिए था, ऊपर से फंड इतना नहीं आता है, हमें ही पता है हम कैसे मैनेज करते हैं, और जब हमको दी गई थी उस समय गौशाला किस हालत में थी और आज आप देख सकते हो गौशाला में अवस्था क्या क्या है। तो किस तरीके से मतलब गौशाला में काम होता है, वहाँ पर 30-35 वर्कर भी काम करते, कोई गोबर उठाता है, कोई कुछ करता है, कोई चारा की मैनेजमेंट करता है, वो किस तरीके से दानी सज्जन किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से गौशाला को चलाते हैं? देखो क्या है, वैसे तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा जी। मैं सरकारों से एक बात पूछना चाहता हूँ, पहली सरकारों से उम्मीद कोई थी नहीं। अगर मैं बीजेपी सरकार की बात भी करूँ,
तो कोई एक स्कीम गिनवा दीजिए जिसमें गाय में और भैंस में फर्क रखा हो सरकार ने। कोई फर्क नहीं है, कोई गौशाला के लिए अलग से कुछ फर्क नहीं है, कोई गाय के भैंस में कोई फर्क नहीं है, कोई व्यक्ति गाय पालना चाहे उसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। सरकार गायों को बस एक जो रोड पे गाय थी, सरकार ने जो बात कही थी हम रोड पे गाय नहीं रहना देंगे, जींद में भी एक नंदी गौशाला है, सरकार क्या कर रही है बस रोड से गाय को उठा के वहां पे सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है गायों के। मुझे एक बात बताइए, नंदी गौशाला जिसको नंदीशाला बोलते हैं, आज तक सरकार ने एक सिंगल नंदी पे काम किया हो, एक कोई बीज इस पे कोई ब्रिड पे कोई काम किया हो किसी भी हरियाणा गौशाला में, सिर्फ कर क्या रहे हैं रोड से उठा के सिर्फ वहां मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और ऊपर से ऐसे अफसर बिठा दिए जाते हैं जिसकी नीयत ही गाय के लिए, जिसकी भावना ही ऐसी होगी उस देश में नंदी कहाँ बचेंगे। और शास्त्रों में ये तक कहा गया है जिस देश में नंदी नहीं होती उस देश को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की औलादें वहाँ की जो पीढ़ियाँ होती हैं वो बर्बाद हो जाया करती हैं। जी सुशील जी, वहीं हम बात करते हैं किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि आजकल किसान लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन महंगाई को लेकर या कृषि बिल को रद्द करवाने को लेकर या किसी नेता जो JGP और BJP के हैं उनके विरोध में लगातार कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। आप किसानों के मुद्दों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो किसानों के मुद्दे के लिए तो जो बात है इसमें कोई कहीं से छुपा हुआ कुछ नहीं है। जो आज तक की कांग्रेस सरकार रही है, जो पूर्व की सरकारें रही हैं, सब बल्कि मतलब बहुत बड़ी बात आपको मैं इस चैनल के माध्यम से कह ही देना चाहता हूँ, ये सब WTO का जो प्रेशर है, वर्ल्ड जो इंटरनेशनल जो प्रेशर है, सब उसका किया धरा है। सरकारें सिर्फ उसका एक रोल निभा रही हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कठपुतलियाँ सरकार बड़ी वैश्विक शक्तियों कठपुतलियों काम कर रही हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। और जो कांग्रेस जो बिल को लेकर आना चाहती थी, कांग्रेस जो नहीं लेके आ पाई उसको BJP लेके आ रही है। जब कांग्रेस लेके आ रही थी तो BJP उस पर हल्ला मचा रही थी, आज BJP लेके आ रही कांग्रेस हल्ला मचा रही है। सभी पार्टियाँ फिर राजनीतिक रोटे सेक रही हैं, लेकिन हाँ किसान के लिए ये लड़ाई जीने मरने की है। और ये जो ज़मीन है किसान की, ये कहीं से फ्री में नहीं मिली हुई है, ये इनके बाप दादाओं ने, ये इनके पूर्वजों ने इनको बचा के रखा है। 12 साल तक अकाल पड़े हैं तब भी जाके लगान भरे हैं ताकि ये ज़मीन बची रहे। इस ज़मीन बचाने के लिए लोगों ने अपने गहने बेचे हैं, अपने बच्चों के खाने पीने तक की उनकी व्यवस्था कम की है, लेकिन ज़मीन को बचाया है। तो हमारी जो पीढ़ी है, हम अपनी पीढ़ी में तो कम से कम इस ज़मीन को नहीं जाने देंगे, हमारे बाद जो होगा देखिए। सुशील जी, सरकार भी अड़ी हुई है, किसान भी अड़े हुए हैं, हमको नहीं लगता कि बिल में कुछ तो अच्छा होगा। देखिए कुछ तो अच्छा होगा, बात क्या है कुछ अच्छा से क्या है, मैं आपके यहाँ के लोकल नेता जसवीर तंवर को बहुत अच्छी बात बोलते हैं कई बार कि मान लीजिए खीर बनी है, बहुत अच्छी बनी है, उसमें अगर आप जहर मिला दोगे तो खीर खाने के नहीं है। बहुत चीज़ें होती हैं जो आम आदमी को दिखाने के लिए, उनके वर्करों को दिखाने के लिए कुछ चीज़ें उसमें अच्छी ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन उसका जो मूल है, असल में ये जो कानून बना है ये किसानों के लिए नहीं बना है, ये किसान ये जो बना है ये पूंजीपतियों के लिए बना गया। क्योंकि आप एक बहुत एक मैं एक सामान्य चीज़ मैं जो बार बार कहता हूँ, मेरे मित्र हैं बिहार में हैं, UP में हैं, जहाँ भी हैं, मैं उनको एक चीज़ पूछता हूँ कई बार जब मेरे से बात होती है, मुझे जी एक बात आइए वो फसल लेके जाते कहाँ हैं? उनके बड़े सीधे जवाब होते हैं जी हम फसल लेके मंडी में नहीं जाते। मान लीजिए हमारे पास गेहूँ हुई, क्या होता है बाद में गेहूं जैसे हमने उठाई तो कुछ ठेकेदार आते हैं बोरी लेके और गाड़ी में, तो वो जिसका मन किया फसल ले ली, जिसका नहीं किया मना ली, जो रेट उनके मन में आ ले लिया, पिछले साल के पैसे अब की बार दे रहे हैं, अब की बार के पैसे के पता नहीं कब देंगे। तो एक व्यवस्था जो मंडी के जाने के बाद जो चरमराई है उसका जिम्मेवार कौन होगा? आज वो जो यूपी बिहार वालों के साथ जो हुआ है वो कल को सीधी सी बात हरियाणा पंजाब वालों के साथ भी होना है। तो मंडी व्यवस्था जब तक नहीं बचेगी तो किसान कहाँ फसल लेके जाएगा? जो ये लोग कहते हैं, सरकार कहती हैं कि जी आपको आज़ादी दे दी गई है, मुझे ये तो बताइए वो आज़ादी के नाम पर जहाँ फसल लेके जाएगा वो जगह तो कोई बताए कि इस जगह आपको आज़ादी मिल गई आप वहाँ लेके जाइए, कोई जगह तो हो। एक 2 एकड़ का जो किसान है जो अपनी फसल कहाँ लेके जाएगा, वो कहीं जगह भी तो हो वो जहाँ पे आज़ादी मिली आपको। सुशील जी, चुडूनी जी ने बयान दिया है कि वो पंजाब के अंदर चुनाव लड़ेंगे, आप उनसे कितना सहमत हैं? देखिए इस हरियाणा भर में भी लगभग मान के चलिए कम से कम भी 50 किसान यूनियन है, और भारत भर में 500 के करीब किसान यूनियन है, और 500 किसान यूनियन को मिला के एक संयुक्त किसान मोर्चा है। ये जो आंदोलन चल रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे चल रहा है। एक व्यक्ति विशेष ने कोई बयान दिया उसका कोई औचित्य नहीं बनता। इस समय हमारी जो लड़ाई है वो 3 कृषि कानून को लेके है, और जो MSP की गारंटी उसको लेके है। ये जो ऐसी बातें आती हैं, मैं नाहाद जोड़ के निवेदन करता हूँ ये मुद्दों से भटकाव ना करें, जिसको राजनीति करनी है बाद में करिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जिसके लिए हमारे आन बान की जो लड़ाई है वो है ये 3 कानून और MSP गारंटी। हाथ जोड़ के निवेदन है, इससे ऐसी बातें करना आंदोलन को कमजोर करने वाली बात होगी। जी आपको नहीं लगता सुशील जी कि यहाँ से एक पार्टी का आगमन देखा जा सकता है, जैसे अन्ना हजारे आंदोलन से केजरीवाल जी आप पार्टी? देखिए
मैं राजनीति में कभी भी मना नहीं करूँगा, राजनीति होनी ही चाहिए और राजनीति तो बहुत पवित्र चीज़ है, करनी भी चाहिए, लेकिन राजनीति का मतलब अपन मेरा एजेंडा मैं साध रहा हूँ। तो अब भी कमेंट यही आते हैं कि अब आंदोलन के अंदर फिलहाल राजनीति ज़्यादा देखी जाती है, राजनीति देखी जाती है, लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा, जो लोग अब भी किसी पार्टी के एजेंडे के नीचे किसान बन के काम कर रहे हैं उससे बुरा कर्म तो कुछ भी नहीं होगा। आप राजनीति करिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन सबको साथ लेके और जो ईमानदारी से लगे हुए हैं उनको साथ लेके राजनीति करनी चाहिए। ये कमजोर नहीं कर, आप किसी पॉलिटिकल एजेंडे के पे काम कर रहे हैं, इससे बुरा कर्म तो शायद ही आंदोलन में कोई हो सकता जी। तो ये थे हमारे साथ राजीव दीक्षित, मंच के प्रदेश महासचिव सुशील जी, जिन्होंने अपने विचार रखे, जो गौशाला का मुद्दा जो अभी चला हुआ है, एसडीएम साहब ने जो गौ माता के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, और किसान मुद्दों पर भी इन्होंने अपने विचार रखे। और आप देखते रहे और बने रहे आप हमारे साथ, मैं हूँ सुरेंद्र भाल के साथ सन्नी प्रजापति।